मैं तो रिकमेंड करांगा तुसी शॉप तो कराओ DRL वाला काम, आप करे करना था तो बहुत औखा। ये मेजरमेंट कर रहे हैं हम स्केल नाल, तो तुसी देख ही सकते हो ब्लॉग में। तो गाइस ये लाइट लेके आया है ना, पूरी वधिया पीस दिता भाई ने अपन को, कट गया है ना वधिया वाला, तो थोनू हुण दिखाने अगे। तो गाइस हुण आपां लगे आ कटिंग करन DRL दी, तो हुण थोनू अगे ब्लॉग च दिखावांगे DRL फिट करके। नाले आपां ने जॉब नाले ट्रैक्टर दे उत्ते भी एक स्विच लानी है लाइट वाली, नाले लाइट्स फिटिंग करनी आ। तो थोनू हुण दिखाने अगे DRL दी कटिंग हो रही आ, हुण फिट करके दिखाने आ थोनू। जिवें गाइस तुसीं देख सकते हो एक दी आपां ने करती सीगी फिटिंग, उत्तर दूजे DRL दी हो रही आ कटिंग। तो हुण इहदी कटिंग तो बाद आपां लगाने आ दूजे वाले लैंप दे विच DRL। मैं तां रिकमेंड करांगा तुसीं शॉप ते ही लवाओ। तो गाइस तुसीं देख सकते हो बड़ी डिफिकल्टी आती है आपां नूं DRL लगाण लगे, तां तुहानूं पता ही आपां ने ऑलरेडी एक लाइट आपां ने कर दिती है खराब, आपां नवीं लेके आए सीगे एक लाइट, तां तुहानूं दिखाने आ नवीं वाली लाइट स्पलेंडर लाइट। तां तुसीं देख सकते हो नवीं वाली स्पलेंडर लाइट अपनी। तां हुण आपां कर रहे हां DRL फिट, मैं तां रिकमेंड करांगा तुसीं कराओ ही DRL वाला काम शॉप तो, घर तां इह बहुत औखा हुंदा काम, तां करके आपां नवीं लाइट लैणी पई इक होर। एक तां आपणे कोलों रात खराब हो गई सीगी, फैविक गिर गई सीगी लाइट दे उत्ते, तां तुसीं देख ही सकते हो। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਜੋਨ ਡੀਅਰ ਤੇ, ਜੋਬ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਜੋਬਨ ਬਾਲ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਗਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਹ ਲਾ ਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗਾਈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ 53:10 ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਵੀਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਟਿੰਗ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਐਂਗਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤੀ ਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਂਗਲ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿੱਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਲਾਈਟ ਫਿੱਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਟ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਲੌਗ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਫਿਟਿੰਗ ਆਈ ਆ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ।
एयर कलंडर दे लवे दे दिखाना मैं थोनू। एक पत्ती लग जाती है एवं एवं पत्ती लग जूगी, फिर यदि लाइट की फिटिंग बैठती है सैट। तो दूजी वाली का भी अपने एवें ही किया। तो गाइस तुम देख सकते हो दूजी वाली हूँ आप स्क्रू घसन लग रहे हैं, एवें फिटिंग होंगी है स्लैट की। जेडे वीर यूट्यूब पर कहते हैं डायरैक्ट फिटिंग है, वीरे डायरैक्ट फिटिंग कोई नहीं हैगी स्लैट की। असं भी इसी भुलेखे च रह गए थे भी डायरैक्ट फिटिंग आ, तां इहदी डायरैक्ट फिटिंग कोई नहीं हैगी लाइट की। तो गाइज आपां नूं इहदे पिछे एक पत्ती का पीस तैयार कराना पैंदा। ये वाला काम इदा कह सकते आपां भी जिदा मर्जी ट्रैक्टर डैंग चो लंघ जे तां भी अपना वो नहीं हुंदा, नुकसान नहीं हुंदा लाइट का, टुटने का डर नहीं रहिंदा। ये काम पक्का हुंदा, वो जिहड़ा स्क्रू वाला दिखाने आ कई यूट्यूब ते वो काम कच्चा रहिंदा जी, तां करके टुटने का डर रहिंदा। ये वाला काम अपना हुण पक्का हो गया, मतलब लाइट हिलदी नहीं हैगी। सो फाइनली गाइस अपन ने करती अपनी स्पलेंडर लाइट फिटिंग, ये देख सकते हो तुसी। दो मोड है इस, एक तो एवें ब्लिंकिंग वाला तो एक गाइस ये मोड है, ये दो मोड है। तो तुम देख ही सकते हो ट्रैक्टर की लुक कितनी अल्टीमेट लुक आ रही है, पूरी बीस्ट लग रहा है। तो गाइस आज का ब्लॉग इतनी तकर सीगा, तो अगर तुम्हें ब्लॉग वधिया लगे चैनल सब्सक्राइब करो तो बैल आइकन जरूर प्रेस करो।